साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निकी गोद जुड़ते उठी गुरु जी का खास रूप खालसा साध संगत जी सब तो पहला अपनी अरदास की हाजरी गुरु चरणों के विच लगाउण वास्ते गुरु साहिबान द्वारा बख्शिश की हुई फतेह का जवाब फतेह विच देना जी कोई भी रसना वांझी ना रहे गज रज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो अज असीं सारे जी अपने बहुत ही सत्कार योग भाई साहिब भाई निर्मल सिंह उन्होंने ग्रह विखे उन्होंने लखते जिगर बेटे नवदीप सिंह के आनंद कारजा के संबंध में एकत्र हुए हैं। भाई निर्मल सिंह के परिवार में इस सुभाग्य समय खुशियां भरे माहौल के तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का अनूठ आसरा लिया। गुरमुख प्यारियो गुरमुख प्यारियो इस तो बाद पहला तीन दिन अलाही बाणी के जाप हुए अखंड पाठ साहिब हुए उस तो बाद कीर्तन की हाजरी तो मखाने भरी है। गुरमुख प्यारियो गुरबाणी गुरु का भी फरमान है करम धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जगाती लुटै निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमख सिमरत चित छुटै। हुण गुरमुख प्यारियो कीर्तन तो बाद हुक्म होया है परिवार वालों कि थोड़ा क चिर जिन्ना क समा आपां दिता गया गुरमुख प्यारियो उन्ना समा तुसीं गुरबाणी गुरु की जिहड़ी है वह विचार जरूर रखनी है। आओ गुरमुख प्यारियो आपां तां तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का ओट आसरा लेंदे होया अपने मन की कहानी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के मुताबिक समझण की कोशिश करते हैं। गुरमुख प्यारियो गुरमुख प्यारियो असी जदों भी कई बार जो विचार सुनते हैं एक दूजे नाल गल्लां करते हैं तो साडे मन दे विच जां साडे विचारां विच इह लफ्ज़ जरूर हुंदा है कि मैं बाणी तां पढ़दा पर मेरा मन नहीं टिकदा। जदों मेरे हाथ 'च गुटका साहिब हुंदा मेरा मन कितें होर ही चल गया हुंदा। जदों आपां सिमरन अभ्यास करते हैं साडा मन नहीं टिकदा पर गुरमुख प्यारियो मन नूं टिकाउण तों पहलां सानूं इह पता होना चाहीदा है कि मन है की। जिन्ना चिर तक सानू मन का ही नहीं पता कि आप मन किस तरह टिकावे गुरमुख प्यारे सब तो पहले सानू मन का पता होना चाहिए है कि मन है कि आ मन का स्वरूप की आ ते मन इस शरीर के विच कित्थे रखा गया ते ये मन टिकदा क्यों नहीं ते ये मन टिकेगा क्यों। ये सारे विचार जिहड़े गुरमुख प्यारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी के आपां नूं समझाई गई है पर असी बाणी नूं सिर्फ ते सिर्फ पढ़न तक ही सीमित रह गए ते गुरबाणी गुरु का वी तां फरमान सी कि बाणी विरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ते जे गुरमुख प्यारे असी बाणी नूं पढ़ के विचारदे तां फिर असी जरूर इस गल की भी खोज करनी सी कि साडा मन टिकदा क्यों नहीं। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे फिर आपां नूं कोई परेशानी भी नहीं लगनी। गुरमुख प्यारे आओ पहलों असी गुरबाणी गुरु का ओट आसरा लेंदे आ इह पता करते हैं कि साडा मन है की। गुरमुख प्यारे मन जिहड़ा इह टिकदा नहीं ये मन अकाल पुरख सच्चे पातशाह का बच्चा है। गुरमुख प्यारो ये एक चानन है ये एक जोत है आपां गुरबाणी गुरु दे विच वी पढ़दे हां मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण ये पॉइंट तां क्लीयर हो गया कि गुरमुख प्यारो मन की है मन है एक जोत ते हुण अगला पॉइंट आपां ये क्लीयर करते हैं कि ये जोत जिहड़ी है ये शरीर दे विच रखी कित्थे गई है। गुरमुख प्यारे हो असी पढ़ते हैं ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई ये शरीर के विच कित्थे रखी गई है जोत ते आप गुरबाणी गुरु को जो पुछते हैं तो गुरबाणी गुरु साडा मार्ग दर्शन करते हैं दसते हैं ये नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई इतने ये पॉइंट क्लीयर हो गया। गुरमुख प्यारे मन की है अकाल पुरख का बच्चा मन का स्वरूप की है मन एक जोत है ते जोत रखी कितने गई है साडे नेत्रां दे विच हुण नेत्रां दे विच जोत कितने रखी गई है। गुरमुख प्यारे असी सारे अपने नेत्रां विच जदों आपां वेखदे हां जां दूसरे दे नेत्र देखदे हां
तो नेत्रां दे विच तीन पोर्शन बनते हैं गुरमुख प्यारियो। सब तो पहलों बाहर वार एक चिट्टा घेरा बनता है गुरमुख प्यारियो, एक चिट्टा घेरा है सारे बाहर वार नेत्रां दे विच। उस तो बाद चिट्टे घेरे तो अगे गुरमुख प्यारियो एक काला भूरे रंग का घेरा विच बनता है। चिट्टे घेरे दे विच एक काला भूरे रंग का घेरा जिहड़ा है वह साडे बनता है। उस दे विच एक होर तीजा पोर्शन हैगा गुरमुख प्यारे जिहड़ा एक शीशे वर्गा चमकदार जिहदे विच जे अहीं बच्चिआं दे लई नेत्रां दे विच वेखीए ते असीं उहदे विच अपना चेहरा वेख लैंदे हां, उह गुरमुख प्यारे मन दी जोत है। एक शीशे वर्गा चमकदार, शीशे वर्गा चमकदार गुरमुख प्यारे शीशा भी कई प्रकार दा हुंदा है। फिर उह मन दी जोत जिहड़ी किस शीशे वर्गी है, जड़बाणी गुरु साडा मार्गदर्शन करते हुए दसते हैं ये मन आरसी कोई गुरमुख वेखे। हुण आरसी शीशा गुरमुख प्यारे किहड़ा हुंदा है जिहदे विच असीं अपना चेहरा वेख सकते हां। सवेरे असीं तैयार होण लग्या दमाला सजाउंदे हां दस्तार सजाउंदे हां, उस शीशे नूं आरसी शीशा कहा गया है। वह मन का स्वरूप है साडे नेत्रां दे विच रखिआ गिआ। हुण गुरमुख प्यारे उस मन नूं टिकण कौन नहीं दिंदा, उस मन नूं टिकण नहीं दिंदे काल दे पंजे नवाईदे काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ये गुरबाणी गुरु कहते हैं इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकारा। हुण इत्थे एक पॉइंट गुरमुख प्यारे होर प्रगट हो गया अमृत लूटै। हुण उह अमृत किहड़ा गुरमुख प्यारे जिहदे बारे गुरबाणी गुरु साडा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह अमृत गुरमुख प्यारे इस मन की खुराक जिहड़ी अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने इस देही दे विच रखी हुई है। गुरमुख प्यारे आप गुरबाणी गुरु दे विच पढ़ते हाँ अंतर कूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए बनहारी। हुण मन की खुराक अमृत रस लुट्टी वह पंजे जा रहे हैं ते मन फिर कितना टिके, वह फिर मन जिधर नई जाते हैं मन उन्होंने पिछे पिछे लगा तुरै पैदा रहता क्योंकि मन कमजोर हो चुका। हूँ जे असी मन टिका चाहते हाँ जे असी मन स्थिर करना चाहते हाँ क्योंकि मन अकाल पुरख का बच्चा है, मन का स्वरूप आरसी शीशे वर्गा तो प्यो का स्वरूप फिर कितना का होगा, वो भी तो शीशे वर्गा होगा। अकाल पुरख सच्चे पातशाह बारे असी गुरमुख प्यारे अभी गुरबाणी गुरु में पढ़ते हाँ रूप ना रेख ना रंग किस त्रह गुणते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। हुण अकाल पुरख सच्चे पातशाह का कोई रूप रंग रेख भेख नहीं है, ये गुरबाणी गुरु कह रहे हैं गुरमुख प्यारियो। तो गुरबाणी गुरु ये भी विचार करते हैं सो में वसे निरंतर नानक दर्पण गई। हुण गुरमुख प्यारे अकाल पुरख सच्चे पातशाह का एक स्वरूप भी दस्या है नानक दर्पण दी एक शीशे वर्गी लेयर जिहड़ी साडे इन्हां नेत्रां दे सामने जदों असीं गुरबाणी गुरु का ओट आसरा लैंदे हाँ ते गुरबाणी गुरु की कहिंदे हन टुक दम करारी जो करे हाजर हजूर खदाए। जदों असीं इन्हां नेत्रां का इस्तेमाल प्यार दे नाल भेज के अकाल पुरख सच्चे पातशाह दे दर्शन करना चाहते हाँ अकाल पुरख सच्चे पातशाह सानू अपने दर्शन ही दिंदे हन नानक दर्पण दिआई जिस स्वरूप बारे गुरबाणी गुरु विच वी दस्या गया है पुन्नियो पूरा चंद आकाश बस रहै कला सहज प्रकाश। जिस तरह पुन्निया की रात को एक चंद्रमा की ठंडी मिठी जी चाननी सारे पासे पिसरी होंदी है ये भी अकाल पुरख सच्चे पातशाह का एक स्वरूप दस्या गया गुरमुख प्यारियो। पर यह स्वरूप अकाल पुरख सच्चे पातशाह उस गुरमुख नूं ही बुझाउंदे हन जिस दे अंदर अकाल पुरख सच्चे पातशाह नूं मिलन की तड़प होंदी है। गुरमुख प्यारियो हुण गुरमुख प्यारियो मन नूं अमृत रस ना मिलन करके ये कमजोर हो गया जिहदे करके ये टिकदा नहीं। ते जे असीं मन नूं टिकाउणा चाहुंदे आ जे असीं अकाल पुरख सच्चे दे नाल सच्चे पुरख पातशाह दे नाल अपनी टुट्टी गंढणी चाहुंदे हाँ तां मन नूं अमृत रस देना पवेगा। ये अमृत रस पीण वास्ते अमृत रस लैण वास्ते गुरमुख प्यारियो आपां नूं बार बार सिमरन करना पवेगा। गुरबाणी गुरु बारंबार बार प्रभ जपीए
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਗਧੇ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ ਨਿਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਣੈ ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਬੈ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪਣੈ ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਨਾ ਲਏਗਾ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਿਹਵਾ ਔਰ ਨੇੜੀ ਕਾਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੇ ਭਿੱਖ ਬਿਆਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहे जी की फतेह। गुरमुख प्यारो इस तरीके जो असि गुरबाणी गुरु का ओट आसरा लैके वाहेगुरु गुरमंत्र का अभ्यास करांगे तो यह मन जिहड़ा है यह अपने घर बैठेगा। मन का घर गुरमुख प्यारो किहड़ा है दसवां द्वार। जिन्ना चिर तक गुरमुख प्यारो मन दसवें द्वार दे विच जाके नहीं बैठा उन्ना चिर तक इस नौ दर के खेडता रहता है तो यह भटकना नहीं मिलती। नौ दर ठाके तावत रहाए दसवें निज घर वासा पाए। हुण मन दसवें द्वार दे विच वस गया इहदी निशानी वी अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने गुरबाणी गुरु विच दसी है। नौ दर ठाके तावत रहाए दसवें निज घर वासा पाए उत्थे अनहद शब्द वजे दिन रात। गुरमति शब्द सुना लिया ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਿਤ ਘਰ ਸਭਾਗਿਆ ਘਰ ਸਭਾਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ ਮਾਥੇ ਬਜੇ ਬਾਬਾ ਕਰਨਹੋ ਮਧੂ ਬੰਸਰੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹਵਾ ਧੁਨ ਰਾਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਦਸਵਾਂ ਦਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ